हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं और क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो मैसेजेस आपको लगें कि आपके पर्सन के हो सकते हैं उन्हें रख लीजिएगा, जो मैसेजेस आपको लगे कि नहीं हमारी ये सिचुएशन नहीं है, ये मैसेजेस नहीं हो सकते, उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। और कोई कार्ड आना चाहता है? ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आए हैं, फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन का है कि इनकी नौकरी पर खतरा है, या तो इनकी नौकरी छूट गई है, ऑलरेडी नौकरी में लॉस हो गया है, नौकरी से निकाले गए हैं, या जॉब नहीं सही चल रही थी, इन्होंने खुद छोड़ दिया, ऐसी कोई सिचुएशन है, या बिजनेस काम नहीं कर रहा, तो फाइनेंशियली ही और शी इज़ वेरी अपसेट। या तो अगर ये कहीं वर्किंग नहीं भी हैं तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। फाइनेंशियली ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी, ऐसी वाइब्स हैं जिसके कारण ये थोड़ा सा आपसे दूर हैं, थोड़ा डिस्टेंस इन्होंने बनाया हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनको इनकी जो ज़रूरत है वो आपसे ज़्यादा किसी और सिचुएशन में है, जैसे करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर ये अभी ज़्यादा फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे या नहीं दे पा रही। बट ये ज़रूर नज़र आता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें आपकी फ़िक्र नहीं है, ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी तरफ आकर्षित हैं, बिकॉज वी हैव गॉट टू ऑफ कप्स विद द लवर्स। यहाँ पर जो वाइब्स है वो यूनियन की है, या तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऑलरेडी यूनियन में आ चुके हैं, तो जो आ चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, यूनियन में हैं। जो नहीं हैं उनका यूनियन होगा, ये वाइब्स है। आपके पर्सन ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनका मैसेज ये भी है कि आप इनके लाइफ में जब से आए हो, इनकी लाइफ की किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में ये बैलेंस्ड रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि आप इनके साथ हो, एक बैकअप है इनके साथ, एक ताकत की तरह ये आपको देखते हैं, अपनी शक्ति की तरह ये आपको देखते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये भी मैसेज दे सकते हैं कि ये आपके साथ कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपकी भी नॉलेज यूज़ हो सके, यूटिलाइज़ हो सके, मतलब ये कोई ऑफ़र आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ऐसा मैसेज है जैसे कि इन्होंने लाइफ को ना बड़े सिस्टमेटिक वे में प्लान किया हुआ है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ये चल रहे हैं या चल रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी इन्होंने प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। स्पेशली ये मैसेज उनके लिए है जिनके पर्सन या तो ऑलरेडी किसी अदर सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, मैरिड हैं, थर्ड पार्टी में हैं, या कोई ना कोई अदर सिचुएशंस है, बिकॉज वी हैव गॉट जगलिंग एनर्जी विद क्वीन ऑफ व्हील्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है दो दो क्वींस हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ व्हील्स। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकती हैं या हो सकते हैं, जिसके कारण ना ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, बहुत समय से ट्रैप थे, स्टक थी, चीज़ें रुकी हुई थी, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने ये प्लान करा है कि आगे बढ़ना है, क्लैरिटी देनी है, जो भी एक्शन लेना है वो बता देना है।
ठीक है, ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन फिलहाल तो फियर की एनर्जी में थे, बट आपको आने वाले समय में ऐसा दिखेगा कि जो पर्सन पीछे हट रहे थे, बैकआउट कर रहे थे या कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, वो सडनली इस कनेक्शन को अप्रिशिएट करेंगे, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, इस कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस को समझेंगे, आपको ये दर्शाएंगे कि ये आपके साथ हैं और इनका सपोर्ट ऑलवेज आपके साथ है, मतलब ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाए। ये अश्योरेंस आप में से काफ़ी लोगों को मिलने वाला है, ये मैसेज है। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि इनके वर्क प्लेस पर कोई महिला या पुरुष है जो इनके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है और ये खुद उसकी तरफ आकर्षित नहीं है। मे बी आप दोनों के बीच में इस मुद्दे को लेकर झगड़ा हो रहा हो, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इनके वर्क प्लेस पर कोई है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जिसकी तरफ आपको शक है और उसको लेकर आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं लगातार। आपके पर्सन उससे रिलेटेड कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस, कोई क्लैरिटी आपको दे सकते हैं कि यार देख ऐसा ऐसा सीन है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुझे जो लगता है तू सोच ले, मेरे पे भरोसा हो तो मान ले, ये वाली वाइब्स है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको खो चुके हैं इस थर्ड पार्टी के कारण, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कोई ना कोई डोमिनेटिंग थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपके पर्सन आपको खो चुके हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि तुम जो शक कर रहे हो या कर रही हो उसका कोई सर पैर नहीं है, बेसलेस है। तो मेरे लिए तुम पहले भी इम्पॉर्टेंट थे या थी, अभी भी इम्पॉर्टेंट हो और आगे भी रहोगे। तो ये अश्योरेंस ये आपको दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की भावना बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको मनाना, एक्सप्लेन करना। कई बार क्या होता है, इंसान ईगो में होता है तो वो एक्सप्लेन भी नहीं करता कि ठीक है तुझे ऐसा लगता है तो तू सोच ले जो सोचना है, तुझे जाना है तो तू जा, ऐसी भी सिचुएशन हो जाती कई लोगों के साथ। बट इनको एटलीस्ट ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज आपको मिलने वाला है कि या तो इनका लोकेशन चेंज होने वाला है या ये कहीं जाने वाले हैं या जाने वाली हैं, इससे रिलेटेड कोई मैसेज आपको ये देने वाले हैं। लेट्स चेक कि और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे अभी इस वक्त। अगर आप दोनों को कोई दुख पहुंचा है, दर्द है, किसी तरह का ब्रेकअप आप दोनों गुजरे हैं, तो ये आपके साथ अपने आप को हील करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हीलिंग करें, ये यहाँ पर मैसेज है। कोई दुख है जो आपने झेला है, आप दोनों ने ही झेला है ऑलमोस्ट। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज है, जैसे अब जैसे क्या होता है, कई बार एक कपल है, उस कपल से बहुत सारे लोग अटैच्ड होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ ये कपल हैं, मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या ये हस्बैंड वाइफ है, मे भी दोस्तों को पता होता है कि हाँ इन लोग का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो कई लोग छुपा कर भी रखते हैं तो लोगों को एक अंदेशा हो जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पर इन लोग का कुछ तो है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो कि हाइड करके रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि किसी को पता चले, या आप चाहते हैं बट आपका पार्टनर हाइड करके रख रहा है या रख रही है। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जैसे अगर आप दोनों ने कुछ भी चीज़ें हाइड करके रखी थी, हिडन रखी थी, आपके रिलेशनशिप को पब्लिकली आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर आपके पर्सन का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपको ये मतलब ये जताना चाहते हैं कि आप दोनों एक हैं और ये पावर आप पूरे यूनिवर्स को बता दो, पूरी दुनिया को बता दो, इनको अब डर नहीं लगेगा। तो इस तरीके की राइट आपको दी जाएगी कि आप बिल्कुल बेधड़क होकर आप अपने घर में बता सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, हो सकता है ये खुद किसी सोशल साइट्स पे आपके साथ अपने रिलेशन को पब्लिक कर दें। ये यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आप में से काफ़ी लोगों को रिसीव होने वाली है। इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी देखिए द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी यही है आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन इस वक्त पे फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, टेलीपैथिकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल हैं, जो छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने कुछ कह दिया तो आप रो दिए या इमोशनल हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो ये आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, ये भी मैसेज है। हो सकता है इन्होंने ही आपको रुलाया हो किसी बात से और अब ये खुद ही सॉरी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपको रोता हुआ नहीं देख सकते।
सो बॉटम ऑफ द डेक है, वी आर मेड फॉर ईच अदर. इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं. यहाँ से भी द लवर्स का कार्ड है, मीन्स कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनको ये बातें रियलाइज़ हो रही हैं. सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, उनके कुछ मैसेजेस. होप आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी. वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आप ये फील कर पा रहे हैं, तो क्लेम करें इस एनर्जी को. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर टैरो रीडिंग्स, मोर स्पेल्स एंड मोर एस्ट्रोलॉजी वीडियोज़. थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय.